वेलकम टू भाई की भड़ाई सब्सक्राइबर, और जिन्होंने नहीं किया वो कर दो। और दोस्तों सब बढ़िया चल रहा है? अब टेंथ है तो घर में बस यही डिस्कशन चलता रहता होगा, बेटा 11वीं में कौन सी स्ट्रीम लेनी है, बड़े होकर क्या बनोगे, कुछ करने का सोचा भी है? और एक हमारा बचपन हुआ करता था जब हम ये सोचा करते थे कि बड़े होकर एक्टर और एक्ट्रेस बनेंगे या फिर एक फुटबॉल प्लेयर। पर अब तो ऐसा लग रहा है हम केबीसी में बैठे हैं और हमारे सामने चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए पीसीएम, ऑप्शन बी पीसीबी, ऑप्शन सी कॉमर्स और ऑप्शन डी ह्यूमैनिटीज। और भाई कोई लाइफ लाइन भी यूज नहीं कर सकते। खैर मेरा तो यही कहना है, अपने दिल की करो। तो अब आ जाते हैं आज की कहानी पे, पटोल बाबू फिल्म स्टार। और इस बाबू वाली कहानी के बापू हैं सत्यजीत राय। इस स्टोरी का मेन कैरेक्टर है पटोल बाबू, जो 52 इयर्स का टकला है। वो नेपाल भट्टाचार्जी लेन में अपनी बीवी के साथ रहता है। और हाँ, ये नेपाल भट्टाचार्जी लेन नेपाल में नहीं, कलकत्ता में है। तो अभी क्या चल रहा है कि पटोल बाबू कंधे पर शॉपिंग बैग लटकाकर घर से निकलने ही वाला था कि घर के बाहर से निशिकांतो बाबू की आवाज आती है, पटोल क्या तुम घर के अंदर हो? निशिकांतो बाबू पटोल बाबू का पड़ोसी था, जो पटोल के घर से 3 घर छोड़कर रहता था, और बंदा बड़ा फ्रेंडली था। तो पटोल बाबू घर से बाहर बैग के साथ आते हैं और निशिकांतो से पूछते हैं, हाँ क्या हुआ, इतनी सुबह सुबह कैसे आना हुआ? वरना तो निशिकांतो सुबह सिर्फ खेत में ही दिखता था। तो निशिकांतो पटोल बाबू के लिए एक खबर लाया था, ध्यान से सुनना। तो निशिकांतो बताता है, कल मैं अपने सबसे छोटे साले से नेताजी फार्मेसी पर मिला, वो फिल्मों में प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में काम करता है। वो बता रहा था कि अभी एक फिल्म की शूटिंग चल रही है और उस फिल्म के लिए उसे एक एक्टर की जरूरत है जो हाइट में छोटा और गंजा हो और उम्र 50s के आसपास हो। ये सुनकर मुझे तुम्हारी याद आ गई, तो मैंने उसे तुम्हारा एड्रेस दे दिया और कहा तुम इससे डायरेक्टली बात कर लो, मैं आशा करता हूं तुम उसे मना नहीं करोगे, और हां वो तुम्हें इस काम के पैसे भी देगा। तो अब पटोल बाबू का इस न्यूज पर क्या रिएक्शन था, चलो जानते हैं। एक 52 साल का बुढ़ा जिसने जिंदगी में आज तक कुछ खास किया नहीं था और उसे ऐसा ऑफर मिलना पटोल के लिए सपने जैसा था, ऑफर ठुकराने का तो सवाल ही नहीं उठता। फिर पटोल निशिकांतो से पूछता है, मैं तुम्हारे साले से मिलना चाहता हूं और मुझे उसके बारे में थोड़ी डिटेल्स बताओ, उसका नाम क्या है? तो निशिकांतो बताता है, उसका नाम नरेश दत्त है, वो लगभग 30 साल का एक लंबा चौड़ा आदमी है। उसने कहा था कि वो 10:30 बजे तुमसे मिलने आएगा। फिर पटोल बाबू शॉपिंग करने चले गए। अब थोड़ा पटोल बाबू की हिस्ट्री पर आ जाते हैं। एक टाइम था जब एक्टिंग ही पटोल बाबू का पैशन था, वो सिर्फ एक्टिंग के बारे में ही सोचते रहते थे। एक समय था जब वो यात्राओं में, एमेचर थिएटर में और पड़ोस के एक्टिंग क्लब के कराए प्लेज में पटोल बाबू की बहुत डिमांड रहती थी। वैसे यात्राज छोटे बंगाली प्लेज को कहते हैं। पोस्टर बटते थे जिन पर लिखा होता था शीतला कांतो राय इन द रोल ऑफ पराशर और वगैरह वगैरह। शीतलान कांतो राय पटोल बाबू का असली नाम था। उस टाइम वो कंचरापुर में रहते थे और रेलवे फैक्ट्री में काम करते थे। फिर 1934 में पटोल बाबू को हुडसन एंड किम्बले कंपनी की तरफ से ज्यादा सैलरी वाला ऑफर मिला और एक क्लर्क की पोस्ट।
शायद पटोल बाबू को हेयर ट्रांसप्लांट कराने के लिए पैसे चाहिए होंगे, तो उन्होंने वो जॉब पकड़ ली और नेपाल भट्टाचार्य जी लेन में सेटल हो गए। सब सही चल रहा था, पटोल के अपने बॉस से बड़ी अच्छी पटती थी, पर 1943 में जब वो अपने नेबरहुड में एक एक्टिंग क्लब स्टार्ट करने की सोच रहे थे, तभी सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो गया, जिस कारण उनके ऑफिस में कई लोगों को नौकरियों से निकाल दिया, उनमें से एक पटोल बाबू भी थे। तब से पटोल बाबू को पैसे कमाने के लिए बहुत स्ट्रगल करना पड़ रहा है, पर एक बढ़िया चीज है, शैंपू और तेल का खर्चा बच जाता है। उसने कई जॉब्स करी और कई छोड़ी भी। इस पैसे की मारा मारी में उसके एक्टिंग करियर का तो रिटायरमेंट हो गया था, और देखो आज फिर उसके सामने एक सुनहरा मौका आया है। तो नरेश दत्त पटोल के घर 12:30 बजे आ जाते हैं। तो अब उसने पटोल को क्या बताया, क्या सुनाया और उसके भेजे में क्या घुसाया, ये देखेंगे हम नेक्स्ट एपिसोड में। यार वैसे मैं भी सोच रहा हूं एक्टिंग शुरू कर ही देनी चाहिए। रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं, नाम है शहंशाह। हा हा हा। नहीं यार मुझसे नहीं हो पाएगा, छोड़ो।